रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध किसी भी वक्त दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में झोंक सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जंग की शुरुआत से लेकर के अब तक न्यूक्लियर वॉर के संकेत और ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब खबर यह है कि अमेरिका के डिफेंस चीफ के हवाले से जो आ रही है उसमें दावा यह किया गया है कि दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर रूस की तरफ से ऐसा कोई भी कदम उठाया गया तो रूस को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। क्या परमाणु युद्ध का सायरन बज चुका है? क्या एक और अनहोनी घटने वाली है? क्या यूक्रेन में पुतिन न्यूक्लियर धमाका करेंगे? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब से अपने नए जनरल को सेना की कमान सौंपी है उसके बाद से यूक्रेन में युद्ध की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। ये युद्ध और भीषण हो चुका है। रूस की सेना अपनी वॉर मशीनरी का इस्तेमाल यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर कर रही है। ऊंची ऊंची इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। घड़ी घड़ी बमों की बारिश की जा रही है। लेकिन अमेरिका के रक्षा विभाग की माने तो इससे भी बड़ा, इससे भी खौफनाक मंजर दुनिया के सामने कभी भी आ सकता है, क्योंकि रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमलों का पैटर्न बदला है उससे यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। Possible and reckless rhetoric is dangerous. And so as we've witnessed the nuclear saber rattling, we don't think that's very helpful, and again, it's dangerous. NATO, again, does not pose any threat to Russia. This is Russia's war of choice. And as we look at things, and as I look at indications and warnings, I don't see any need to make any changes to what we're doing right now. But this is a thing, as you heard me say yesterday, that we're focused on 24 hours a day, 7 days a week. If there is a need to make changes, then we'll certainly do that. पुतिन खुद भी ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध में सामने आने वाले किसी भी दुश्मन और किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा किया गया तो रूस युद्ध के घातक विकल्पों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। यही वजह है कि दुश्मन देश भी पुतिन के खिलाफ खुलकर मोर्चाबंदी में जुटे हैं। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख ने दावा किया है कि अगर रूस परमाणु हमले जैसा कोई भी कदम उठाता है तो पश्चिमी देशों के हमले में रूसी सेनाओं का सफाया कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, परमाणु हमले के लगातार बढ़ते खतरे के बीच नेटो भी रूस के एक एक कदम की मॉनिटरिंग कर रहा है। असल में यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है, इसे समझने के लिए रूसी सेना के तबाही वाले पैटर्न को समझना होगा। क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन की सेना यूक्रेन पर हमले का गियर बदल चुकी है।